नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के मारुति नगर में, जहाँ की श्री लक्ष्मी नारायण जी द्वारा महायज्ञ हो रहा है। तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं यह यज्ञ, जो कि चलेगा 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक। तो वीडियो में बने रहे, आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ लिखा हुआ है, और इसी द्वार के अंदर, जो कि यह मारुति नगर में है, आपका महायज्ञ शुरू हो गया है। और यह रास्ता जो कि चला जाएगा आपका विश्व सुंदरी पुल के लिए, और इधर जो कि चला जाएगा मदरमा होते हुए चला जाएगा आपका सामने घाट लंका बीएचयू के लिए। तो आइए ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं, और अभी सुबह का जो कि 8 बज रहा है, और यहाँ द्वार पर जो कि काफ़ी सारे लोग हैं, और अंदर जो कि प्रवचन चल रहा है, और किस तरह से जो कि बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि चप्पल जूता यहीं पर निकाल कर ही अंदर जाना है। तो आइए आपको ले चलते हैं। यह देख पा रहे हैं कि आपको अंदर लेकर आ चुके हैं, और किस तरह से जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, और छोटे छोटे यहाँ पे जो कि पत्तियाँ भी बनाई गई हैं, ये देख सकते हैं लोगों को रहने के लिए। और यहाँ LED TV भी लगाया गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी लगाई गई हैं, काफ़ी भव्य व्यवस्था किया गया है। और काफ़ी साफ सुथरा बनाया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यह जो कि स्टेज बनाया गया है, और यहीं पर जो कि गुरु जी योग हमारा स्वभाव बन जाए, अभुजंगासन श्वास लेते हुए हम ऊपर जाएंगे। और श्वास छोड़ते हुए वापस लौट जाएंगे। गाड़ी है, जैसा कि देख पा रहे हैं, पांडे जी से अनुरोध है कि आप अपनी गाड़ी को हटा लें। यहाँ पर किस तरह से जो कि बनाया गया है स्टेज को, राजनारायण पांडे जी, भव्य सुंदर बनाया गया है, आपसे अनुरोध है आप अपनी गाड़ी को हटा लें। सुबह का समय है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। व्यायाम किस तरह से करते हैं और क्या फायदे हैं बता रहे हैं। अगर आपको घुटना में दर्द है तो एक ही पैर को देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो है ऐसे पकड़ भी सकते हैं, एक एक पैर ऐसे करें। और यही पंडाल बनाया गया है, इस तरह इसको पकड़ लिए, इसको छोड़ दिए, इस तरह। और अभी जो कि इस तरह से काफी खाली है, इस तरह से, और लोग आज पहला दिन है तो अभी आ रहे हैं, पैर को पकड़ना है, और इस तरह से दोनों पैर एक साथ ऐसे करें, अभी देख सकते हैं इस तरह से। घुटना में दर्द है तो इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, इस तरह से। घुटना में दर्द हो या कमर में दर्द हो, दर्द का कारण क्या है। और दोस्तों जो पंडाल बनाया गया है उसी के बाहर देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो कि झोपड़े टाइप के बनाए गए हैं टेंट लगाकर, ताकि इसमें जो कि दूर दराज के लोग हैं आके रह सके, और जो कि स्नान वगैरह नहाने खाने का सभी कुछ व्यवस्था इसमें किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्परेरी जो कि यहाँ पे शौचालय भी बनाया गया है। और यह भी देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग जो कि आ रहे हैं धीरे धीरे, ले चलते हैं दूसरी तरफ, आपको वो भी दिखाते हैं। और दोस्तों यह भी देख सकते हैं कि जो कि जितना भी एरिया है लगभग तीनों से घेर दिया जा चुका है। दोस्तों यह सब जो कि तंबू लगे देख रहे हैं,
और यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे जो कि मुफ्त खाने की व्यवस्था की गई है और जो कि प्रसाद के रूप में आपको भोजन कराया जाएगा जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए। और इस बार इस टीन के अंदर देख सकते हैं जो कि भोजन पकाने का कार्य किया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं कि भोजन पकाने का कार्य यहाँ भी किया जा रहा है और खाना खाने के बाद सभी को पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर उचित की गई है। देख पा रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पे नल लगाए गए हैं और इसी तरह का देखिए पंडाल इस साइड में भी है और वहाँ भी नल लगाए गए हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और आप भी बनारस से कहीं से भी देख रहे हैं तो 27 तारीख के भीतर या 27 तारीख तक आप यहां आ सकते हैं और जो कि यज्ञ होगा उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं यह अभी हम आपको अंदर से दिखाए हैं और यही जो कि द्वार है बना है और इसी में से अंदर जाना है जो कि आम जनता आएगी देखने के लिए जो आ रहे हैं लोग उनके लिए यह पंडाल बनाया गया है बैठकर जो कि गुरु जी को सुनने और देखने के लिए। और जो कि महायज्ञ होगा वह जो कि होगा देख सकते हैं ठीक सामने ही बहुत बड़ा सा यह बनाया गया है पंडाल। देख पा रहे हैं तो एक बार अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं इसमें आपको दिखाते हैं। यह देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि यज्ञ होगा और इतने छोटे और बड़े कुंड बनाए गए हैं जो कि यज्ञ के लिए। यह भी देख पा रहे हैं आप और काफ़ी सारे पिलर के बीच में जो कि खड़ा किया गया है इसको पंडाल को और देख सकते हैं टोटल जो कि घास फूस से बनाया गया है और जालियों से बस बांस के पत्तियों से और किस तरह से सजाया गया है यह भी देख पा रहे हैं। और यहाँ देख पा रहे हैं जो कि कारीगर लोग भी कार्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सजाया गया है और टीन से भी चारों तरफ से घेरा गया है और काफी सुंदर और भव्य सजाया गया है जैसा कि दुर्गा पूजा पंडाल सजाया जाता है। यह देख पा रहे हैं और दोस्तों आप यहां पर जो कि 22 से 27 तारीख के बीच में आकर पधार कर महायज्ञ में हिस्सा ले सकते हैं और यहां पर जो कि प्रसाद के रूप में भोजन कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही और जब स्वामी जी का यज्ञ शुरू होगा तो वह भी आपको दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।